जी सलाम अलैकुम। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कि ये साकिब ख्याल साहब हैं टैंक पाकिस्तान से, वो मेरे अच्छे फॉलोअर हैं और आई रियली अप्रिशिएट साकिब साहब कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। आपने जो क्वेश्चन किया था कि आपने फेसबुक पे शायद कमेंट किया था, तो मैं हाँ फेसबुक से ही मैंने लिया। आपने कहा था कि इंटेग्रिटी के ऊपर जो है ना आप एक वीडियो बनाएं। अच्छा, इंटेग्रिटी का पहले मतलब ये होता है, इंटेग्रिटी को हम सालमियत भी कहते हैं या दयानतदारी भी कहते हैं, लेकिन इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में फ़र्क ये होता है कि इंटेग्रिटी वो चीज़ होती है कि अगर आप एक बात समझ रहे हैं ना कि अंदर से जो आपका दिल कह रहा है कि ये बात ऐसे और बात बाहर भी वैसे कर रहे हैं, तो ये इंटेग्रिटी है। यानी कि अपने आप से जो ऑनेस्टी है ना, इसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं। अब इंटेग्रिटी को जो लोग फॉलो करते हैं या इंटेग्रिटी को जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, जो लोग इंटेग्रिटी को फॉलो करते हैं ना, पांच बड़े मैं उनको फायदे आपको बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ के जो पांच इंपॉर्टेंट फायदे हैं जो लोग इंटेग्रिटी को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अपने आप से जो ऑनेस्ट होते हैं। यानी अपने आप से ऑनेस्ट होने का मतलब ये है कि जो चीज़ गलत है, अगर आप उसको गलत कहें, ये नहीं कि आप मौके को देखते हुए आप उसके अंदर कोई कोई मार्जिन तलाश करना शुरू कर दें या कोई जगह बनाना शुरू कर दें कि ये ठीक है। नहीं, अगर एक चीज़ गलत है तो फिर उसको गलत कहें। अगर आपका दिल कर रहा है, तो दिल कह रहा है कि ये चीज़ गलत है तो गलत कहें, तो इसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं। देखें, जब आप इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं तो होता क्या कि आप अंदर से सेटिस्फाई फील करते हैं। जब आप अंदर से सेटिस्फाई फील करते हैं ना, आपको कोई फियर नहीं होता, आपको कोई डर नहीं होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप अपने जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको आप मैनेज कर रहे होते हैं। आप अपने अंदर से, आपकी लड़ाई अपने आप से नहीं होती। यानी कि अपने आप से जब लड़ाई होती ना, तो हमें गिल्ट होता है कि यार मुझे वहाँ पे ये सही बात करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। जब आप ये फील करेंगे ना, तो ये गिल्ट है। इस गिल्ट से आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो डैमेज होगा अगर आप इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप इंटीग्रिटी को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, आपके इनर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम हो जाएंगे या रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं, आपके अंदर ना एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, क्योंकि आप अपने सब, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं अपने राइट के ऊपर खड़ा रहा, तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आप एनर्जी फील करते हैं क्योंकि आप राइट के ऊपर हैं, तो सेल्फ एस्टीम आपकी बूस्ट होती है। तीसरे नंबर पे कि जब आप इंटेग्रिटी को एक्सपीरियंस करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, लोग आपसे सोशलाइज करते हैं, आपसे मिलते हैं कि यार ये बंदा, इसकी इंटेग्रिटी बहुत है, ऑनेस्टी बहुत है। तो जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ और बेहतर होती है, क्योंकि सोशलाइजेशन से आप अच्छा फील करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करने के निकल आते हैं, कहीं आप प्रॉब्लम में हो तो लोग आपके साथ आ जाते हैं, यार ये बंदा राइट पे, इसकी हेल्प करो। उसके बाद चौथा पॉइंट ये, देखें जब ऊपर वाले तीन फायदे आपको मिलेंगे ना, चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। आप किसी भी मामले में डिसाइड को करना चाहते हैं, आप सुकून में होंगे क्योंकि आप में स्ट्रेस नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, जिनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं होती, वो डिसीजन भी सही नहीं लेते क्योंकि अंदर से नहीं ले सकते, वो एक फियर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उससे डिसीजन भी नहीं लिया जाता। और आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो आपकी अथेंटिसिटी है। आप एक अथेंटिक इंसान होते हैं, आप एक रोल मॉडल बनते हैं, आप लीडर बनते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ है, जो इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द करेंसी दैट नेवर डिवैल्यूज इन द इकॉनमी ऑफ ट्रस्ट। थैंक यू।